सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत पहले पुराने पोल के साथ यार, जहां पे सवाल यह था कि आप भी कौन सा गेम खेल रहे हैं ज्यादा, BGMI या फिर PUBG न्यू स्टेट। तो आप बोला 66% ने कि यार हम तो कोई भी नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद में खैर 29% ने बोला है कि आप खेल रहे हैं BGMI। 4% लोगों ने वोट किया है PUBG न्यू स्टेट के बारे में और 2% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। आज दोस्तों ऐसे में क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें टैबलेट की तो आप दोस्तों ऐसे में क्या प्रेफर करेंगे? क्या आप प्रेफर करेंगे आईपैड या फिर आप प्रेफर करेंगे कोई एंड्रॉयड टैबलेट? मुझे बताना दोस्तों कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ यार जो पहला बेटा वो निकल के आता है सैमसंग की गैलेक्सी टैब S8 सीरीज को लेके। इसके जो है रेंडर्स हैं वो लीक हुए हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही और यहां पे दोस्तों S8 अल्ट्रा जो है वो भी आने वाला है साथ में। मतलब ये होगा एकदम ऐसा अल्टीमेट फ्लैगशिप मॉडल। एक होगा टैब S8, फिर एक टैब S8 FE भी हो सकता है, S8 लाइट भी हो सकता है। लेट्स सी सैमसंग अपने इन्हीं नए वाले टैबलेट्स को कब तक लॉन्च करता है। वैसे यहाँ पे अभी गूगल पिक्सल वॉच के रेंडर्स आ गए हैं भैया सामने और ये होने वाली है एकदम ऐसा बेजललेस डिजाइन के साथ में, काफी स्लीक सी, काफी मॉडर्न सी वॉच। देखना बस ये है कि गूगल इसको कब किस कीमत पे लॉन्च करता है और इंडिया में क्या हम इसको देख पाते हैं या नहीं। वैसे चांसेस बहुत 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 कम बन जाते हैं यार। फिलहाल हमारे पास में ओला S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिलीवरीज हैं वो दोस्तों शुरू होने वाली है 15 दिसंबर से। ऐसे में मतलब काफ़ी लोगों ने दोस्तों प्री बुक किया था, आपने भी शायद किया होगा प्री बुक, तो जो डिलीवरीज थी थोड़ा सा अभी डिले हो गया था वो अभी 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। देखते हैं कैसा रहता है पूरा ओवरऑल कंप्लीट एक्सपीरियंस इसी ओला के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ में। यहाँ पे अभी वन प्लस बड्स Z2 जो है वो दोस्तों अभी लगता है कि इंडिया में बहुत जल्दी आ सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों ये ब्लैक और वाइट दो अलग अलग कलर्स में आ रहे हैं और यहाँ पे ये 6000 से नीचे कम कीमत पे मिलने वाले हैं हमको वन प्लस के बड्स Z2। लेट्स सी कि आखिर जो है वो वन प्लस ऑफिशियली वन प्लस RTE के साथ में इनको जब लॉन्च करता है तो आखिर किस कीमत और क्या क्या फीचर्स ये लेके आते हैं। यहाँ पे भी सैमसंग जो है गैलेक्सी S22 सीरीज की दोस्तों जो डेट है लॉन्च की वो अभी लीक हो गई है जो कि है 8 फरवरी। तो हम देखेंगे गैलेक्सी S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन्स को। एस्पेन वगैरह भी होने वाला है और काफ़ी वो हमको फेमिलियर सा ही मिलेगा नोट वाला एक्सपीरियंस गैलेक्सी एस सीरीज के साथ में। लेट्स सी क्या क्या और फीचर्स पैक करता है सैमसंग अपने इसी लेटेस्ट S22 अल्ट्रा में। हमारे पास में अभी वैसे ऑडिबल जो है यहाँ पर दोस्तों अभी एलेक्सा के साथ में जो है वो फ्री आपको एकदम 100 नई ऑडियो बुक टाइटल्स जो है वो लॉन्च करके ला दिए हैं। तो आप ऐसे में दोस्तों अगर आप कुछ ई बुक्स वगैरह पढ़ने के शौक हैं, अगर आपको ऐसा ऑडियो बुक का मजा मिलता है तो वो अभी आप एलेक्सा के साथ में उठा सकते हैं ऑडिबल के इन्हीं नए 100 फ्री टाइटल्स के साथ में। यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे पास में वैसे iPhone SE जो है ना फ्लिपकार्ट पे यार जो अभी बिग बचत धमाल सेल चल रही है उस दौरान दोस्तों अभी iPhone SE जो है वो मिल रहा है 2799 रुपीज़ का। काफ़ी अच्छा फ़ोन है 2799 का। अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में एंटर करना है तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आईफोन है। हाँ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं कैमरा वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वगैरह की तो डेफिनेटली बहुत सही फ़ोन है यही iPhone SE। और अभी देखते हैं इसका 5G वाला वर्जन खैर हम अगले साल कब तक देख पाते हैं। अगली खबर आती है हमारे पास में वैसे Realme 9i को लेके और यहाँ पे दोस्तों ये अभी लीक हुआ है, मालूम चलता है कि ये आने वाला है स्नैपड्रैगन 680 के साथ में और इसमें लगा होगा 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा, 90Hz का डिस्प्ले वगैरह भी है। Realme का खैर फोन है आप जानते ही हैं और पीछे खैर जो कैमरा लेआउट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से लग रहा है देखने में, लेकिन मोर और लेस आजकल यार फोन सारे सेम से हो गए हैं। लेट्स सी कि ये क्या कुछ नया लेके आएगा। हमारे पास में वैसे अभी एल सेल्वाडोर भैया जो है वो बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो और खरीद कर रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों 150 और बिटकॉइन खरीद लिए। मतलब यहाँ पे
हाँ क्रिप्टो भैया, पता नहीं कुछ तो बनेगा इस कंट्री का, या तो बनेगा बहुत ज़्यादा हाई या बनेगा सीधा एकदम खस्ता हाल मामला। बिकॉज क्रिप्टो खरीद खरीद के भैया वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एकदम लगे हैं पूरे जोश के साथ में। लेट्स सी खैर आगे क्या हालत बनती है एल सेल्वाडोर के इन्हीं सब बिटकॉइंस वगैरह के साथ में। यहाँ पे दोस्तों अभी गैलेक्सी S21 FE जो है इसको स्पॉट कर लिया गया है और सपोर्ट पेजेस पे, साथ में दोस्तों अभी ऑफिशियल केसेस भी दिख रहे हैं सामने इसके, तो आपको डिज़ाइन का भी फेमिलियर मिल रहा है गैलेक्सी S21 सीरीज की ही तरह। लेट्स सी कि आखिर ये फोन अब फाइनली कब लॉन्च होता है और किन किन नए नए फीचर्स के साथ में। यहाँ पे यार वैसे अभी गूगल पे ना आपको वो दोस्तों गूगल डूडल मिल रहा है आज पिज्जा वाला, और यहाँ पे आपको जो है वो एक मिनी गेम भी मिल रहा है, मतलब आप वो गेम वेम भी खेल सकते हैं काफी अच्छे से। उसमें आपको ऐसे पिज्जा वगैरह को स्लाइस करना पड़ता है, काफी ऐसे इंटरेस्टिंग सा गेम है। और गूगल वैसे ऐसे ही नई नई चीजें हमारे लिए लाता रहता है। यहाँ पे दोस्तों अभी वैसे टाइनी रोबोट कोरियर ट्रक्स, मतलब काफी दोस्तों छोटे 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 यार ऐसे ट्रक्स हैं ये भैया, एस्टोनिया में स्नोफॉल के बाद में फंस गए वहां पे बिकॉज काफी छोटे थे, बर्फ में दोस्तों चल नहीं पा रहे हैं। तो अब सोचा ऐसे में किसी ने कुछ ऑर्डर किया हो, डिलीवरी के लिए ट्रक निकल गया लेकिन रास्ते में बर्फ में फंस गया, ऐसा सीन भी हो सकता है। देखो टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा जरूरी नहीं कि हमारे फायदे के लिए काम में आ जाए। लेट्स सी वैसे कि आखिर ऐसे छोटे डिलीवरी व्हीकल्स का फ्यूचर, मतलब मैं कहता हूँ ड्रोन से करवाओ डिलीवरी, सीधा आसमान से टपकाओ सामान को, वो सबसे बढ़िया लगेगा यार, मजा आ जाएगा। हमारे पास में BGMI को लेकर यार काफी कमाल गुड न्यूज है। आप दोस्तों काफी प्लेयर्स BGMI लाइट का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों अगर मानते हैं रिपोर्ट्स की तो क्राफ्टन काफी सीरियसली फिलहाल इस चीज को ले रहा है, और लगभग समझ लो कि बस आने ही वाला है बहुत जल्दी। लगता है कि दिसंबर के महीने में शायद हम देख पाएंगे BGMI लाइट को। अभी लेट्स सी कि ये आखिर कैसे यूजर बेस को और बढ़ाता है, जहाँ पे यू नो मोबाइल फोन्स में कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के साथ में भी लोग बड़े आराम से जो है वो BGMI लाइट को एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है OnePlus 10 को लेके, और यहां पे दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये आने वाला है Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ में, तो एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस होगा, फ्लैगशिप फोन भी होगा। देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी OnePlus 10 और OnePlus 10 Pro सीरीज की। अगली दोस्तों कहानी आती है सीधा यहां पे Moto Edge X 30 को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये आने वाला है 60 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ में, मतलब काफी ऐसा अलग ही नंबर है 60 मेगापिक्सल का। साथ में दोस्तों यहाँ पे होगा ड्यूल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट, 68 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग वगैरह भी है। ये जो फोन है ये आने वाला है Snapdragon 8 Gen 1 के साथ में। देखते हैं अगेन कि ये इंडिया में मोटोरोला कब तक लॉन्च करेगा। यहाँ पे दोस्तों अगला लास्ट अपडेट निकल के आता है एप्पल एयरटैग्स को लेकर। भैया कैनेडा में दोस्तों एक क्राइम पूरा एक ऐसा ना क्रिमिनल सिंडिकेट है जो चल रहा है लग्जरी कार्स को चुराने का एयरटैग्स की मदद से, जहां पे यार चोर वोर क्या करते हैं जो महंगी गाड़ियां होती हैं वो दोस्तों जब कभी हैं किसी पार्किंग लॉट वगैरह में कि दोस्तों अगर मॉल वॉल में खड़ी है तो वहां पे जाके उस पर एयरटैग लगा देते हैं, और उसके बाद में लोकेट कर लेते हैं कि भैया गाड़ी जो है उसका घर कहाँ पे है, और ड्राइववे से बाद में चुरा ले जाते हैं लग्जरी कार्स को। तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो चोरी हुई है, स्मार्ट हो गए हैं, आप बच के रहिए, अपनी गाड़ी वाड़ी में ढंग से लॉक वॉक लगाइए, गियर लॉक स्टीयरिंग लॉक वगैरह, जिसके चलते एटलीस्ट ऐसा कोई हादसा आपके साथ कभी ना हो पाए। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई बार सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।